दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। दोस्तों मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी के साथ आज जो 25 अक्टूबर 2020 को स्टेनोटाइपिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका कि पोस्ट कोड 755 है, मैं उसका क्वेश्चन पेपर आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पीएसटी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप लाया है हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ामों के लिए टेस्ट सीरीज। आप इनके ऐप में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हाँ, अगर आप वहाँ से किसी भी तरह की कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आपको कोड लगाना होगा वहाँ पे PSDHP50। तो इस कोड को लगा के आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आप सभी के साथ ये सीरीज ए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो भी सीरीज है आप क्वेश्चन मिला लीजिए डायरेक्ट। तो सबसे पहले आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्वीकृत काल कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2500 से 1700 BC। ये नॉर्मली माना जाता है इसका काल, ठीक है, इंडस वैली का। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के दौरान कौन सर्वोच्च देवता बना? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन दो का वो है ऑप्शन टू सी, ठीक है, प्रजापति। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधार महाजनपद की राजधानी थी, प्रश्न नंबर तीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तक्षशिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पावापुरी में, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रोघेटस कहा गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिंदुसार को अमित्रोघेटस कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर छः, किस शासक के शासनकाल में फाहयान भारत आया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहयान भारत आया था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने नहरों के निर्माण में गहन रुचि ली थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी नहरें बनवाई थी, मतलब इंटरेस्ट दिखाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर आठ, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1576 में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नूरजहाँ का वास्तविक नाम था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेहरुन्निसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, 1797 में बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान ने, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बंगाल बिहार और उड़ीसा में किसने स्थायी बंदोबस्त लागू करवाया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आत्मीय सभा किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, 1932 में सामुदायिक पंचायत किसने घोषित किया था? हु अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन 1932? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा, 14 देखो, प्रश्न नंबर 14, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मार्च 1920 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिस्मिल्ला खान किस संगीत वाद्य से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शहनाई से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मांडो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोवा का, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लोह एवं रक्तपात की नीति किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिस्मार्क से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गल्फ युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
सी 1991 में, ठीक है दोस्तों। बाकी के बचे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप पीएसटी से पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।